हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टक। गाइस, आज के दिन बात करने वाला हूं बोल्ट ऑडियो ईक्यू चार्ज नेकबैंड वर्सेस नॉइस प्लेयर एक्सेल नेकबैंड के बारे में। इन दोनों नेकबैंड की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों नेकबैंड में से आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा और इनके स्पेसिफिकेशन में भी आपको डिफरेंस मिलने वाला है। तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूं। आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों नेकबैंड की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी आपको कमाल की मिलने वाली है। दोनों को अगर आप कितना भी बेंड कर दोगे, ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा, काफी फ्लेक्सिबल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और वहीं पे यहाँ देखा जाए प्रीमियम की, तो दोनों ही नेकबैंड आपको देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों ही नेकबैंड के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बोल्ट ऑडियो ईक्यू चार्ज में आपको 14.2 mm का रिच बेस ड्राइवर जो है देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में माइक्रो वूफर का भी सपोर्ट जो है दिया गया, साथ ही साथ में ENC यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का भी सपोर्ट जो है दिया गया है। जबकि मैं भी बात करें नॉइस प्लेयर एक्सेल के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 10 mm का ट्रू बेस ड्राइवर जो है देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में ESR यानी कि एनवायरमेंटल साउंड रिडक्शन का सपोर्ट जो है दिया गया, यानी कि वही आपको ENC मिल रहा है इसमें भी। तो अगर इन दोनों को साउंड क्वालिटी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बोल्ट ऑडियो ईक्यू चार्ज आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला, क्योंकि इसमें आपको 14.2 mm का ड्राइवर मिल रहा है, रिच बेस के साथ साथ माइक्रो वूफर का भी सपोर्ट जो है दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। और वहीं पे अब बैटरी बैकअप को देखा जाए तो बैटरी बैकअप में भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बोल्ट ऑडियो ईक्यू चार्ज में आपको टोटल जो है 40 आवर का प्ले टाइम बैकअप मिल रहा है, और जल्दी में हो 5 मिनट चार्ज करते हो तो यहाँ पे आपको 7 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। और USB टाइप सी का सपोर्ट जो है इसमें भी मिल रहा है। जबकि नॉइस प्लेयर एक्सेल में आपको टोटल जो है 80 घंटे का बैकअप मिल रहा है, और अगर आप जल्दी में हो 10 मिनट चार्ज करते हो तो यहाँ पे आपको 15 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, और इसमें भी USB टाइप सी का सपोर्ट जो है दिया गया। तो बैटरी बैकअप में देखा जाए तो इन दोनों नेकबैंड में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पे डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छी खासी बैटरी बैकअप चाहते हो तो नॉइस प्लेयर एक्सेल को यहाँ पे प्रीफर कर सकते हो। अब वहीं पे अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन दोनों में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट जो है दोनों ही नेकबैंड में देखने को मिल जाएगा। और वाटर रेजिस्टेंस को देखा जाए तो वाटर रेजिस्टेंस में आपको IPX5 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस दोनों ही नेकबैंड में देखने को मिल जाएगा। साथ में इन दोनों ही बर्ड्स में आपको मैग्नेट दिया गया, तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये आपस में चिपक जाएगा। ये कुछ स्पेसिफिकेशन मिलेगा इन दोनों ही नेकबैंड में। अब देखा जाए कि प्राइस सेगमेंट क्या आपको डिफरेंस मिलने वाला है, तो बोल्ट ऑडियो ईक्यू चार्ज की स्पेशल लॉन्च डेट प्राइस थी 999 रुपए, यानी 1000 में मिल रहा, लेकिन अभी इसकी प्राइस बढ़ के 1200 से 1300 रुपए हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जबकि नॉइस प्लेयर एक्सेल अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये आपको 2-3 दिन में लॉन्च कर दिया जाएगा फ्लिपकार्ट पे, लेकिन प्राइस कंफर्म हो चुकी है, ये आपको 1499 रुपए में मिलने वाला है। तो इस समय भी आपको 200 रुपए का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। तो अगर प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए, कहीं कहीं नॉइस प्लेयर एक्सेल में आपको बैटरी अच्छी दी जा रही है, बोल्ट ऑडियो ईक्यू चार्ज में आपको अच्छी खासी बैटरी मिल जा रही है 40 घंटे की, लेकिन साउंड क्वालिटी आपको इससे ज्यादा कहीं अच्छी मिल जा रही है। तो अगर आप साउंड क्वालिटी चाहते हो, मेन तो वही है साउंड क्वालिटी, तो आप बोल्ट ईक्यू चार्ज को ले सकते हो। लेकिन अगर आप बैटरी बैकअप भी चाहते हो, साथ ही साथ में हल्का फुल्का साउंड भी चाहते हो, तो आप नॉइस प्लेयर एक्सेल को भी ले सकते हो। लेकिन मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि बैटरी बैकअप तो अच्छा है 40 घंटे का, लेकिन साउंड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बेस्ट दिया गया है बोल्ट ऑडियो ईक्यू चार्ज का, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। बाकी आपके मन में जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो बस यही थी पूरी वीडियो इन दो नेकबैंड के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, तो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग टेक के साथ, तब तक के लिए जय।